लखन सियारा में चल रहे जहे अब हमारे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहने लगे संतजनों सुंदर कांड के लग रही थी तीसरा विश्राम यह तीसरा विश्राम में कथा प्रसंग बताई गई हनुमान जी ने भैया अशोक वाटिका का उजड़ी नबला इसके पश्चात रावण की बेटा जिसका नाम अक्षय जिखे कभी नाश नहीं हो ऐसे बेटा के हनुमान जी जो है तो बध करी और बहुत विधि जिस विधि लंकागढ़ का और जो है तू जलाई ने यह कथा आगे जो है बताई जाए जी कहने लगे हे उमा हनुमान जी जब सीता देवी से अशोक वाटिका में जब मिले नबले हनुमान जी जब ने आर माता सीता का जो पागे नबले तो लड़का माता का अगर पाइस तो भूख बताइस हे हनुमान जी कहते माता अमोह पर जब्बर भूख जो लगे नबले सीता कहते आहा हनुमान जी इते भूख के नाम ना लगे कहे यह अशोक वाटिका में भैया बड़े बड़े राक्षस जो तकवारे लगे है भैया हनुमान जी कहते माता आ उन राक्षसन के मुँह तनक भी डर नहीं आ नबला हाँ तो सीता देखी इस हनुमान जी सब विधि से होशियार है ये बुद्धि के सागर है बड़ी गुणवान है बड़ी बलवान है भैया सीता कहते बेटा आजा जा जा फल खा ले भैया सीता माता के जब यज्ञ हनुमान जी पादवे सीता माता के चरण में मस्तक झुका के नबला वह देख ले हनुमान जी छलंग जो लगा दी इन अशोक वाटिका में जो फल तोड़ तोड़ के खाने लगे और बहुत फल तोड़ तोड़ के फेंकने लगे न बोला वह सुन ले भैया बड़े बड़े वीर योद्धा राक्षस गड़े भैया आतक वार जो रहे जब हनुमान जी फल तोड़ तोड़ के खाने लगे और बहुत तक फल का तोड़ तोड़ के फेंक न बोले तो राक्षस जी उधाया और हनुमान जी का हटकने लगे अरे बनाल तो बोले कहां से घुस पड़े और यहाँ की फल सुरक्षित अशोक वाटिका में इतना ते उपद्रव कहे कर रही है न बोले
हनुमान जी जो ने राक्षसन का मराई शुरू कर दी। हनुमान जी के मार खा जब राक्षस गढ़ जब देख दे नवला बहुत राक्षस निकल के और वहां से रावण राजा के पास जो चली नवला अरे लंकेश्वर अरे हो राजा महाराज हुई कहोगे अशोक वाटिका में एक बड़ा भारी बानर जो पहुंचे है नवला हाँ तो भैया राक्षसगढ़ कहने लगे राजा हे लंकेश्वर अशोक वाटिका में एक बड़ा भारी बानर आए जो पहुंचे नवला ओत ही अशोक वाटिका बुजारी हे राजा वजन बना अशोक वाटिका खा जो उजार दे दो नवला कैसन उजारी रामण राजा कहते नरे कैसन उजारी हाँ भैया उन तकवार राक्षस रावण से कहते लंकेश्वर और वह तो अशोक वाटिका के फल खा खात में और बड़े बड़े वृक्ष का महरा आज उखाड़ उखाड़ के जो गिरा दे तकवार जो रहा अरे कहीं नहीं हट गया हे राक्षस का तीन राजा अत हट गए की बात का वह तो बड़े बड़े तकवार बीरन का पकड़ पकड़ के दोनों हाथ से जो मिजल दे दे मिजल मिजल के महरा आज पृथ्वी में जो फेंक दे नवला यह विधि उन तकवार भैया अजब राजा रमण का बता दे भाई तब रामण जब सुने थे वह भैया आतक वारन के मुख से बात हम बड़े बड़े वीर्योधन का तैयार कर देवे कि जा तो देखा रे कहां की बंदर और वह जने अशोक वाटिका में प्रवेश है नवला ये ले भैया अब बड़े बड़े योद्धा हे सेना बना के एक दो नहीं बड़े सेना बना के नवला अशोक वाटिका के तरफ वंदे ए सन्नाटा जब चली ने हनुमान जी देख डरी इसकी बड़े वीर योद्धा आज चले आ रहे हैं नवला हनुमान जी जने तत्काल बड़े भयंकर गरजना करने लगे Ramane, 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 Ram
भजने चरे कपि संहारे। भैया हनुमान जी सबे राक्षसन का संहार कर दे बहिन न बोले एको ऐसन नहीं बचीन, एको ऐसन न बचीन कि जौन अधघायल ना हो। हे बहुत तक तो मर गई और बहुत तक अधघायल है पर का कहे जो ना अधघायल राक्षस से भैया दौड़े अशोक भटका से निकल के राजा रावण के पास जो जा रहे हैं। हाँ भैया पता लग रहे है रावण के एक ऐसा बेटा राधवे जेके कभी नाश हो बारे नहीं नवले ऐसे बेटा खर रावण तैयार कर देवे कि जा जा तू रे यक्ष कुमार ते तो जाके देख ले। और हमारे अशोक भटका में न जने कहां के बंदर प्रवेश है नवले तू ये अच्छे कुमार भैया अब बड़े सेना तैयार करके बड़े बड़े योद्धा लेके नवले और ये अच्छे कुमार वा देख ले ये सन्नाटा अशोक भटका में जा रहे है। हाँ भैया ले।